नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि कई बच्चों ने मैसेज किया था कि सर, एक सिलेबस के ऊपर आप वीडियो बनाइए, जिससे हम लोग को पता चले कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे तैयारी करनी है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी सिलेबस पर आधारित। तो यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ ग्रुप ए की। ग्रुप ए जो आपका जितना भी मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा वाले रहते हैं आपके, चाहे आपका सिविल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सभी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस में पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, और ये रहेगा सिर्फ आपका कौन सा हाई स्कूल लेवल का। तो लेकिन आप हाई स्कूल के बेस पर तैयारी मत कीजिएगा, इंटर लेवल लेके चलिएगा, क्योंकि सिलेबस में वो कहते हैं हाई स्कूल लेवल का आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके इंटर लेवल के भी आ जाते हैं। इसलिए हाई स्कूल प्लस इंटर, इंटर का भी आप कंटेंट देख के चलिए, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं। तो बात करेंगे कि हम लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने होंगे। तो पहले बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और सेकंड बात करेंगे इसका क्वेश्चन कितने आएंगे। क्वेश्चन और रहेंगे इसके मार्क, कितने मार्क का होगा मार्क। तो नंबर फर्स्ट आपका आएगा मैथ वाला पोर्शन। मैथ, मैथ वाला पोर्शन आएगा जिसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके 60, 60 क्वेश्चन आएंगे, और ये 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके 200 नंबर के, 200 नंबर, 200 मार्क। फिर बात करते हैं फिजिक्स, आपको पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके 30, 30 क्वेश्चन आएंगे, और इनके जो नंबर होंगे वो रहेंगे आपके 100 मार्क, 100 मार्क। फिर आ गए आपके केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और जिनके मार्क रहेंगे आपके 100। मतलब आपको सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर इनके टोटल क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। मतलब जो आपके 120 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और जिनकी टोटल मार्किंग रहेगी ये रहेंगे आपकी 400 की रहेगी, और समय रहेगा आपका 2.5 घंटा, टाइम रहेगा 2:30, 2:30, 2 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। और पेपर का जो लैंग्वेज रहेगी वो दोनों भाषाओं में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो लैंग्वेज आपकी रहेगी हिंदी, और रहेगी आपकी इंग्लिश। मतलब जो आपको भाषा सुटेबल लगे आप उस भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग की बात होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1:4। अगर इसका मार्किंग की बात की जाए, मार्किंग रहेगी 1:4। 1:4 का मतलब यह है कि यदि आपने 1/4 मार्किंग, मतलब इसका मतलब हो गया कि यदि आपने 4 क्वेश्चन आपके सही हैं और 1 क्वेश्चन यदि गलत है, तो आपका 1:4 के रेशियो में रहेगा, मतलब 1:3 का रेशियो से मार्किंग होगी।
तो आप समझ गए इसका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1-4 की मार्किंग रहेगी। और जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद रिटन टेस्ट के बाद फिर होगी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट करना पड़ेगा। तो जैसा आपका जहाँ का सुविधाजनक कॉलेज रहेगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये सिलेबस आपका रहेगा। अब इसके अंदर क्या क्या, मैथ में क्या पढ़ना होगा आपको, फिजिक्स में क्या पढ़ना होगा और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। वो डीपली पर्पस से रहेगा। और कुछ आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके कुछ टॉपिक जो आपके हैं वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो कोशिश करिएगा कि स्ट्रैटेजी इसी टाइप की बनाइएगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी मैथ तीनों कवर हो जाएं और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं। तो कोशिश कीजिएगा, साथ में आप लाइक कीजिएगा और फ्रेंड जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे वो रहेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।